मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नगर परिषद दभौरा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जहां साधना कॉल निवासी गिदरोहा टूटी फूटी प्लास्टिक की झोपड़ी में रहकर अपना जीविकोपार्जन कर रही है। विद्वान ने जानकारी देते हुए अपनी निवास वाली पन्नी की झोपड़ी दिखाई और कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास सूची से अलग कर दिया गया। महिला की पीड़ा सुन महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश तिवारी के द्वारा बेवा साधना कोल के साथ किए गए अन्याय की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में कर दी गई, तो नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री साधना कोल के घर अपने 5 दलालों के साथ पहुंचे। साधना कोल तो घर में नहीं थी, लेकिन उनका लड़का घर में मौजूद था। उससे सादे कागज में हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसके द्वारा इनकार कर दिया गया। वहीं जांच अधिकारी उपयंत्री के द्वारा कहा गया कि चाहे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो या मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुझे नहीं मिलेगा। और उपयंत्री के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में झूठा प्रतिवेदन डलाकर मामले को रफा दफा करके गरीब वर्ग की महिला को शासकीय योजना से वंचित करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। आपका नाम क्या है? गांव? जिला? आपका नाम? नारायण। आप जात कौन है? आदिवासी। आप इनके कौन है? साधना के लड़के। जो सीएम हेल्पलाइन में है, हरीश तिवारी जी के द्वारा आपके आवास की शिकायत की गई थी, उसके संबंध में जांच करने कोई आया था? जी आए थे। कौन आया था? अरे कोई थे, 3 आदमी। अब हमें नहीं पता कौन थे, बोले हम सीएम हेल्पलाइन से आए हैं। फिर क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले कि आप लोग वो फॉर्म डाले हैं? हाँ। तो हम बोले हाँ डाले हैं। हाँ। तो वो लोग बोले कि दिखाओ कहाँ डाले हो बताओ। तो हम बोले हम नहीं थे, मम्मी हमारी डाली है। तो वो लोग बोले यार इनका फार्म वार्म नहीं डला है, एक दस्तावेज बनाइए और पंचनामा लिखिए। हाँ। तो वो लोग बनाए और हमसे बोले कि आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। हाँ। हम बोले हम दस्तखत ऐसे कैसे कर दें, आप बनाए इसमें पंचनामा कि आप फार्म नहीं डाले हो। हाँ। और हमारी मम्मी बोल रही हम डालें, हमारी मम्मी आ जाए। हाँ। हम उनसे पूछ ले फिर बताएं। हाँ। और उनके बाद वो चले गए। और क्या बोले कि? और ये बोले कि क्या आप सीएम हेल्पलाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आवास? तो हम बोले नहीं मिला तो अभी तक कहे हम नहीं जी रहे हैं। आपने फॉर्म डाला था साधना जी? जी। आवास के लिए? जी। अच्छा, जब जांच करने आए थे तो कोई नहीं आया था? जी। आप नहीं थी ना? नहीं। आपका घर कौन सा है? हाँ तो खा के बताओ तो जरा। यही झोपड़ी है? जी। और आपको प्रधान आवास नहीं मिला? नहीं। ना ग्राम पंचायत से ही ना नगर पंचायत बनने के बाद? ये देखिए आप सब लोग, साधना कुशवाहा का घर, साधना कोल का घर, ये बेवा साधना कोल है, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं इंडियन लाइव टीवी चैनल से ये दिखा रहा हूँ कि इनका ये झोपड़ी में बसर कर रही हैं। आप लोग सब देख लीजिए ये वीडियो। और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, ये अनपढ़ महिला नहीं जानती है, तो शिकायत किया गया, जिस शिकायत में जाँच करने के लिए नगर परिषद के अधिकारी आए और इनके बच्चे से बोले कि आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो चाहे जहाँ करो, कोई आवास नहीं मिलेगा। हाँ, यही बोला गया। हाँ, क्यों? हाँ हाँ सही।